देखो विद्यार्थियों, कल या लास्ट क्लास में मैंने आपको तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत को समझाया था, जिसमें जब माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगें मिलती हैं तो उसमें हुआ विस्थापन उन तरंगों के विस्थापन का वेक्टर योग के मान के बराबर होता है। उसकी दो घटनाएं मैंने आपको बताई हुई थी। पहली घटना थी व्यतिकरण और दूसरी घटना थी बीट्स। मैं आज आपको यहाँ पर तीसरी घटना बता रहा हूँ, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ, अप्रगामी तरंगे बोल देता हूँ। तो अप्रगामी तरंगे मेरे पास इस प्रकार डिफाइन होती हैं, जब विपरीत दिशा में आकर दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, जिनकी जिनकी आवृत्ति बराबर होती है तो इस प्रकार बनी तरंगों को अप्रगामी तरंगें कहते हैं। देखो विद्यार्थियों, थोड़ा सा आप कल्पना कर लीजिए कि यहाँ से एक तरंग चलते हुए आ रही है, ऐसे आई ऐसे आई ऐसे आई, वहाँ से एक दूसरी तरंग ऐसे आ रही है, मीट करते हुए आ रही है, तो ये तरंगें क्या होंगी, आपस में इन दो माध्य बंधों के बीच में यहीं 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 घूमती रहेंगी। ठीक है, यानी ये दो बाउंड मीडियम के बीच में कैसे हो जाएंगी, आपस में सिकुड़ती फैलती रहेंगी, पैकेट होता बनाएंगी, तरंगे आगे नहीं बढ़ेगी, ऊर्जा का संचरण नहीं होगा। इन तरंगों को मैं अप्रगामी तरंगे कहते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, अप्रगामी तरंगों में तरंगे आगे नहीं बढ़ती बल्कि दो बद्ध माध्यमों के मध्य संकुचित संकुचित संक दो माध्यमों के मध्य
केवल फैलती एवं सुकड़ती है। तो इसमें तरंगें कैसी हो रही हैं? ऐसे ऐसे फैल रही है, सुकड़ रही है, फैल रही है, सुकड़ रही है, आगे नहीं बढ़ती। दूसरा, इसमें ऊष्मा का या ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, ठीक है? तो इसमें ऊर्जा का संचरण नहीं होता है। अब ये तरंगे कैसे होता बनती हैं ये देख लीजिए। मान लीजिए दो बॉन्ड मीडियम में ये तरंग जा रही है, तो ये तरंग ऐसे जाएगी और जो दूसरी तरंग आ रही है वो यहाँ पर मिलती है, ठीक। तो ये तरंगे यहीं पर सुकड़ती फैलती रहती है। जहाँ पर कणों का अधिकतम विस्थापन होता है उसको एंटी नोड, जहाँ पर न्यूनतम होता है नोड, फिर कैसा होता है एंटी नोड, फिर कैसा होता है नोड्स। तो नोड्स एंटी नोड्स यहाँ पर बनने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, अल्टरनेट ऑर्डर में एंटी नोड्स एवं नोड्स बनते हैं। इसमें जहां पर कण का विस्थापन अधिकतम होता है उसको एंटी नोड्स बोल देते हैं, जहां न्यूनतम होता है उसको नोड्स बोल देते हैं। नंबर फिफ्थ, दो लगातार नोड्स या दो लगातार एंटी नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा बाई टू होती है। तो देखिए हमारे पास, मैंने क्या बताया, कोई भी दो, ये हो गया एंटी नोड्स, ये हो गया नोड्स। तो दो नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा बाई टू या दो एंटी नोड्स की भी दूरी कितनी जाएगी, लैम्डा बाई टू के मान के बराबर होगी। लेकिन एक नोड्स और एक एंटी नोड्स के बीच की दूरी कितनी हो जाती है, लैम्डा बाई फोर के मान के बराबर हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में दो क्रमागत नोड्स एवं एंटी नोड्स के बीच की दूरी लैम्डा बाई फोर होती है। ये मैंने आपको अप्रगामी तरंगों की कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी लिखाई हुई है। सारे होता बच्चे इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और आप वीडियो देखिए, पीडीएफ फाइल को होता रीड करिए और आप एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू कर दीजिए।